हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करने वाला हूँ, और प्रोडक्ट होने वाला है डर्मा डॉग की तरफ से, डर्मा डॉग की सनस्क्रीन। काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं भाई को अच्छी सनस्क्रीन बता दो, भाई को अच्छी सनस्क्रीन बता दो, मगर मैं खुद कंफ्यूज था कि कौन सी सनस्क्रीन बताऊं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी सनस्क्रीन है। लोग आप मुझे इंस्टाग्राम पे फोटोज भेज देते हो कि ये सनस्क्रीन क्या बेस्ट है, तो मैंने ट्राई नहीं करी रहती, इस वजह से आप लोगों को भी नहीं बता पाता हूँ। तो इस वजह से कुछ महीनों से मैं एक सनस्क्रीन ट्राई करने वाला हूँ, और वो सनस्क्रीन मुझे बहुत बेस्ट लगी, इस वजह से आज इस वीडियो में मैं उसका रिव्यू देने वाला हूँ। तो जिस सनस्क्रीन में बात कर रहा था वो है डर्मा डॉग की सन प्रोटेक्शन जेल क्रीम SPF 30। तो ये है, मुझे बेस्ट सनस्क्रीन लगी है क्योंकि मैं इसको कुछ महीने से ट्राई कर रहा था। क्योंकि अगर बात करें सनस्क्रीन की, तो सनस्क्रीन में जो बेसिक चीजें हम लोग देखते हैं कि बेसिक चीजें अच्छी अच्छी क्या होनी चाहिए, वो यही होनी चाहिए कि आपको अच्छी तरह से प्रोटेक्शन दे, आपका फेस बिल्कुल भी डार्क ना हो, टैन ना हो, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप आजकल कोई भी सनस्क्रीन यूज करते हो तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद आता है कि वो व्हाइट कास्ट बहुत देती है। व्हाइट कास्ट मीन कि जब आप अपने फेस पे लगाते हो तो पूरा फेस व्हाइट व्हाइट हो जाता है। तो वैसे सनस्क्रीन से रियली मुझे सख्त नफरत है कि आपको लगे कि आप अपने फेस पे कुछ लगाए हो। सनस्क्रीन ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने फेस पे लगाओ, बिल्कुल भी पता भी ना चले, एंड रियली वो आपकी स्किन को सूट करे। कोई कोई सनस्क्रीन ऐसी होती है कि आपके फेस में मतलब पिंपल विंपल देने लगती, तो ऐसी वो सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं है। तो ये है डर्मा डॉग की सनस्क्रीन, इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, आप लोग देख सकते हो कैसे कुछ आती है, इसकी पैकेजिंग वैकेजिंग सब अच्छी है। एंड ये आपको सिंपली purple.com के पे ही मिलेगी। आप पर्पल, काफी लोगों को साइट पता होगी purple.in.com, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, एज कम्पेयर टू द प्राइस, इसका प्राइस भी बहुत चीप है। सिंपली 160-170 की आपको सनस्क्रीन मिल जाएगी, एंड इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम। 50 ग्राम सिंपली महीने भर से ज्यादा आपकी सनस्क्रीन चल जाएगी। एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो यही बात आती है कोई केमिकल वेमिकल तो नहीं, तो इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, पैराबीन फ्री है, सल्फेट फ्री है, कलरलेस है, कोई भी इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं जो आपकी स्किन को ये हार्म कर दे। तो इसको मैं इसका टेक्सचर दिखा देता हूँ, ये इसका है कुछ ये क्रीम, सिंपल इसको थोड़ा सा लिया तो आप देख सकते हो सिंपली अब्सॉर्ब हो जाती है क्योंकि इसमें कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं है। तो सिंपली इसको मैं फेस पर भी लगा के दिखा देता हूँ, काफी लोगों को लगता है कि नहीं यार फेस पर लगाने के बाद कुछ अलग ही इफेक्ट हो जाता है, तो सिंपली इसको फेस पर भी मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो फेस पे लगाने पर भी ये बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं देती है। तो डेफिनेटली अगर आप ये सनस्क्रीन ट्राई करना चाहते हो, डेफिनेटली ये सनस्क्रीन ट्राई कर लेना, ये बेस्ट मार्केट में मुझे इस टाइम भी कुछ सनस्क्रीन लग रही है। अगर आप कोई भी और कोई ब्रांड पे जाते हो तो डेफिनेटली मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि डर्मा डॉग की बेस्ट सनस्क्रीन है। सिंपली एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये चीप है, प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है कि आप नहीं खरीद सकते हो, सिंपली चीप क्रीम है, क्वांटिटी अच्छी है जो आप बाय कर सकते हो। एंड ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये पर्सनल मेरा फेवरेट सनस्क्रीन हो चुका है डर्मा डॉग की तरफ से। डेफिनेटली अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आप सनस्क्रीन लेना चाहते हो डेफिनेटली ले सकते हो। एंड ये सनस्क्रीन आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये सनस्क्रीन आपको सिर्फ purple.com पे मिलेगी, सिंपली आप बाय कर सकते हो purple.com से, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में देगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में और कुछ चीजों का अगर आप रिव्यू चाहते हो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर लाऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।